हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे अप्रैल इलाइट पास के बारे में। तो आप लोगों को बहुत ही खतरनाक वाला इलाइट पास देखने को मिलने वाला है, उसके मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं। उसी के साथ मैं आप लोग हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल आज ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कौन सा डायमंड रॉयल देखने को मिलेगा कन्फर्म बंडल बता दूंगा। और फ्रेंड्स, हमारे अप्रैल इलाइट पास बहुत ही खतरनाक इलाइट पास होने वाला है, उसमें आप लोगों को इमोट भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं फुल डिटेल्स में बता दूंगा। तो अगर मेरे चैनल में अभी तक आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो का लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री फायर का सारा अपकमिंग अपडेट्स और अपकमिंग इवेंट्स के डिटेल्स आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फास्ट में आप लोगों को हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अभी हमारे गेम में साइतामा पाजामास वाला ये वाला बंडल आप लोगों को चल रहा है हमारे डायमंड रॉयल में। और फ्रेंड्स, ये आज रात ही खत्म होने वाला है। आज रात 12 बजे के बाद आप लोग डायमंड रॉयल चेंज होने वाला है। आप लोग इस डायमंड रॉयल में डायमंड रॉयल भाउचर देके स्पिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये हमारा ओएन पांच मैन के स्पेशलिस्ट भाउचर दिए स्पिन करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो डायमंड रॉयल आएगा ना, उसमें आप लोग फिर से आपका डायमंड रॉयल भाउचर से स्पिन कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोग हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ए वाला बंडल देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा लीक निकल के आ रहे हैं कि आप लोगों को ए वाला बंडल आज हमारे डायमंड रॉयल में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये वाला बंडल आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कंफर्म न्यूज निकल रहे हैं कि आप लोग को यही बंडल हमारे डायमंड रॉयल में देखने को मिल जाएगा आज रात 12 बजे के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग ए वाला बंडल कैसा लगा कमेंट करके जरूर। इसका फीमेल वाला बंडल भी मैं आप लोग अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग उसी बंडल का फीमेल वाला बंडल भी देख सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स जो लीक निकल के आ रही है कि अभी आप लोग को मेल वाला बंडल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फीमेल वाला बंडल भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ए वाला बंडल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, जो ज्यादा चांस है कि आप लोगों को मेल वाला बंडल आज देखने को मिल जाएगा, तो सबसे ज्यादा जिस बंडल के चांस है वो है हमारे इसी का मेल वाला बंडल का। तो फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को फर्स्ट वाला बंडल दिखाया, तो फ्रेंड्स वही लिंक निकल के आ रही है। अगर वो वाला बंडल आता है तो आप लोग कौन कौन उसको लेना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताओ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया कि आप लोगों आज कौन सा डायमंड रॉयल देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप लोगों को यही डायमंड रॉयल देखने को मिल जाएगा मेल वाला। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अप्रैल इलाइट पास के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फर्स्ट इसका ट्रेलर दिखा दिया, अभी आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट आप लोगों को मिलने वाले एक जीप का स्किन जो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ये होने वाला है हमारा अप्रैल का इलाइट पास। मैं मार्च का इलाइट पास आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बैनर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैनर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया इलाइट पास होने वाला है। मुझे पर्सनली ए वाला इलाइट पास ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमारा जो मार्च का इलाइट पास है ना, उससे भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है हमारे अप्रैल का इलाइट पास। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा इलाइट पास बेस्ट है वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही मार्च का दिखा दूँ। अभी आप लोग अप्रैल का भी फुल इलाइट पास देख सकते हो, इसमें आप लोगों को इमोट भी देखने को मिलने वाले। तो ये बार तो टी शर्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इलाइट पास नहीं लोगे तो भी मिलेगा, लेकिन बेस्ट को हाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो फीमेल वाला बंडल देखो, इसका जो ऊपर का जो टोपी है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है और एक यूनिक टाइप का इलाइट पास दिया जा रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा इस इलाइट पास को। आप लोगों को कौन सा इलाइट पास बेस्ट लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला जो बंडल है ना, ये बेस्ट बंडल होने वाला है। आप लोग देख लो, जस्ट देख लो इसका टोपी जो बना है ना, इसको जस्ट देखो, बहुत ही खतरनाक वाला लुक दिया जा रहा है। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट इलाइट पास होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट इलाइट पास। तो आप लोग जस्ट बंडल को देखो, मुझे मेल और फीमेल वाला दोनों ही बंडल बहुत ही खतरनाक वाला लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर MP40 का पिक्चर दिया है। तो बस ये लगता है मुझे MP40 का भी आप लोगों को ये जो टोकन है देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को परांग का स्किन भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर परांग का स्किन भी देख सकते हो, और MP40 का टोकन भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो MP40 का पिक्चर दिया हुआ है बॉक्स में। तो यहाँ पर आप लोग देखो पारंग की स्किन भी ठीक ठाक है। यहाँ पर बैकबैक देखोगे यार, बैकबैक भी खतरनाक वाला लुक। मुझे मैं बता रहा हूँ, ये इलाइट पास बहुत ही खतरनाक इलाइट पास होने वाला है। हमारे मार्च से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है हमारे अप्रैल का इलाइट पास। और मुझे मार्च इलाइट पास से ज्यादा बढ़िया लगा अप्रैल का इलाइट पास। तो आप लोगों को क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना। बैकबैक को देखो, इसको बैकबैक को देखो यार, कितना यूनिक टाइप का बैकबैक है। और लुक देखो लेवल 3 में इस बैकबैक को जो लग रहा है ना, बहुत ही खतरनाक वाला लुक देखने को लग रहा है। लेवल 2 और लेवल 1 में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस बैकबैक को। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैनर को, बैनर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आप लोगों को थॉमसन की स्किन देखने को मिल जाएगी, गन स्किन, लेकिन यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है कोई भी गन स्किन में एबिलिटी देखने को नहीं मिलता है, जो इलाइट पास में मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग इमोट को देखो, इस इलाइट पास में आप लोगों को इमोट भी मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस इमोट को देखो, जस्ट बहुत ही खतरनाक वाला इमोट है, जो हमारा न्यू इमोट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वाला इमोट भी कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ
पर सार बोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो ये मस्त इलाइट पास होने वाला है, बहुत ही तगड़ा वाला इलाइट पास। तो फ्रेंड्स इस इलाइट पास में आप लोगों को अगर डायमंड भी उड़ाते हो ना तो भी आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इलाइट पास में आप लोगों को सारे के सारे चीज बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखे सार बोर्ड भी, यहाँ पर आप लोग पैरासूट भी देख सकते हो, ये पैरासूट तो आप लोगों को फ्री में भी मिल जाएगा। तो नीचे देखो यार लूट बॉक्स देखो, कितना यूनिक टाइप का लूट बॉक्स है, अभी तक इस टाइप का लूट बॉक्स आप लोगों को देखने को भी नहीं मिला है गेम में। तो देखो जस्ट इसका लूट बॉक्स देखो, एकदम से न्यू यूनिक टाइप का लूट बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इस बंडल को देख लो यार, इस बंडल का भी जो डिजाइन किया गया है ना बहुत ही बढ़िया, कोई भी ऐसा कैसा मार्क्स नहीं दिया गया है, बहुत ही शानदार टाइप का दिया गया है। ऊपर का जो टोपी टाइप का कुछ दिया गया है ना वो भी बहुत ही बढ़िया लग, इसका पूरा का पूरा बंडल ही ना बहुत ही बढ़िया है। ये इलाइट पास के लिए एकदम परफेक्ट बंडल है एंड एक बहुत ही बढ़िया इलाइट पास भी है। तो आप लोग जो सारे के सारे चीज मिल रहे हैं ना मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। तो आप लोगों को इस इलाइट पास के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे से पूछोगे मार्च और अप्रैल इलाइट पास में से कौन सा बेस्ट इलाइट पास है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अप्रैल का। तो यहाँ पर आप लोगों को इमोट भी देखने को लिए मिल रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला दो बंडल, मेल और फीमेल दोनों का ही बंडल बहुत ही बढ़िया देखने को लिए लग रहा है। उसी के साथ आप लोगों को जो लूट बॉक्स दिया जा रहा है वो भी बहुत ही न्यू यूनिक टाइप का है, बैकपैक भी बहुत ही बढ़िया है और फ्रेंड्स आप लोगों को जीप का स्किन भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, फुल का फुल इलाइट पास सिर्फ खतरनाक वाला लुक दिया जा रहा है। तो आप लोगों को कौन सा इलाइट पास बेस्ट लगता है कॉमेंट करके जरूर बता। तो आप लोगों को मार्च का इलाइट पास बेस्ट लगता है या अप्रैल का कमेंट करके बता देना। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में अभी तक आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री फायर के सारे अपकमिंग अपडेट्स और अपकमिंग इवेंट्स के डिटेल्स आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा।